फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचर एंड वी अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जापान के लाइफ से जुड़ी हुई 6 मेजर फैक्ट को शेयर करने वाली हूँ। मैं जब जापान आई थी तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद सरप्राइज्ड हो गई थी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो जापान के लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको देखने और जानने के बाद मैं सरप्राइज्ड हो गई थी, लेकिन उन सारे चीज़ों को इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं 6 ऐसे मेजर फैक्ट को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे नज़र में मेजर फैक्ट है अबाउट लाइफ इन जापान फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट जो चीज़ है जो मैं यहाँ आने के बाद देख करके सरप्राइज्ड हो गई थी वो है यहाँ की साफ सफाई और ऑर्गेनाइज्ड घर। गाइज, आपको तो पता ही होगा कि जापान साफ सफाई के मामले में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। साफ सफाई यहाँ पे बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखाया जाता है और यहाँ की जो घरें होती है वो इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है ना कि आपको बताया नहीं जा सकता है। घर के आगे गार्डन होता है, कहीं कहीं आप बड़ा गार्डन देख सकते हैं और नहीं तो छोटा गार्डन ज़रूर होता है। हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, पार्किंग के लिए जगह छोड़ा होता है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा वो है ग्लास लगा हुआ विंडो। सारे घर में एक चीज़ कॉमन होता है कि इस तरह का विंडो होता है जो कि ग्लास लगा होता है। अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। तो गाइज, यहाँ पे बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखाया जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे स्कूल में बच्चों को स्कूल के तरफ से ही खाना मिलता है। लंच टाइम में बच्चे खाना लाते हैं, खाते हैं एंड खुद प्लेट को वॉश करते हैं, जगह को वॉश करते हैं, प्लेट को फिर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। सारी चीज़ें बच्चे ही यहाँ पे करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि बच्चे छोटे से ही सब कुछ जानते हैं साफ़ सफाई के बारे में यहाँ पे। और यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जगह को गंदा नहीं करेंगे तो सफाई भी नहीं करना होगा। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे एंड सरप्राइजिंग भी लगा कि यहाँ पे लोग इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम जगह को गंदा नहीं करेंगे तो सफाई नहीं करना होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। जापानीज़ को आप बाहर कुछ खाते हुए नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हर सुपरमार्केट कन्वीनियंट स्टोर में इस तरह का टेबल लगा होता है। आप बैठ करके वहाँ पर बहुत देर तक कुछ भी खा सकते हैं एंड कितना भी देर आप वहाँ पर रुक सकते हैं। सो इसलिए जापानीज़ लोग बाहर कभी आप उन लोगों को खाते हुए नहीं देख सकते। वो लोग वहीं पर खाते हैं एंड जो भी खाने के बाद जो भी कुछ रहता है वो वहीं पे फेंकते हैं, बाहर कभी भी फेंकते वेंकते नहीं है। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि सेकेंड जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख करके सरप्राइज्ड हुई थी वो है साइकिल। यहाँ पे मोस्टली सारे लोग साइकिल का यूज़ करते हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो, सारे लोग साइकिल चलाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है। सारे बच्चे हेलमेट तो ज़रूर लगाए हुए होते हैं एंड बच्चों को ट्रैफिक रूल इतने अच्छे से फॉलो करने आता है कि बताया नहीं जा सकता है। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं एंड ट्रैफिक पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट सारे कुछ समझते हैं, आसानी से वो क्रॉस भी करते हैं रास्ते को। तो मैंने जब देखा था तो मुझे लगा कि अरे यार, ये इतने छोटे बच्चे हैं एंड कैसे ये सारे चीज़ कर रहे हैं। सो ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बहुत वेल ट्रेंड होते हैं यहाँ के बच्चे, बताया नहीं जा सकता। आप देखोगे तो दंग रह जाओगे वाकई। मुझे कई सारे ऐसे कारण लगता है जिस वजह से साइकिल का यूज़ यहाँ पे लोग ज़्यादातर करते हैं। फर्स्ट तो एक्सरसाइज पर्पस से। सेकेंड जो है, हमारे यहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जैसे कि रिक्शा हो गया या फिर ऑटो कैब वगैरह हो गया, उस तरह से यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ अगर थोड़ा दूर जाना हो तो आप टैक्सी कर सकते हैं, तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी लोग यहाँ पे साइकिल का यूज़ करते हैं एंड कार का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा दूर जाना हो तो साइकिल का यूज़ करते हैं यहाँ पे मोस्टली सारे। एंड तीसरी बात कि यहाँ पे गाड़ियों के लिए अलग बात है, साइकिल के लिए अलग बात है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट का जो चांस होता है बहुत ही कम हो जाता है साइकिल चलाने वालों के लिए। सो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे साइकिल का यूज़ करते हैं। बाइक आप यहाँ पे नहीं देख सकते, रेयर ही मैंने कभी देखा एक या दो बाइक। मैं भी यहाँ पे कभी कभी साइकिल चलाती हूँ और
लोगों को देखती हूँ तो सरप्राइज होती हूँ कि यहाँ पे लोगों का थिंकिंग ऐसा है जो कि इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग सूट बूट पहने हैं, हाथ में लैपटॉप लिए हैं या फिर आगे बास्केट में लैपटॉप रखे रहते हैं एंड साइकिल से ऑफिस जाते हैं। थर्ड जो चीज़ है जिससे मैं सरप्राइज्ड हो गई थी वो है यहाँ का अर्थक्विक। गाइस यहाँ पे अर्थक्विक इतना ज़्यादा आता है कि बताया नहीं जा सकता है। मीन्स वीक में 2 बार, 3 बार, 5 बार या कभी भी आ सकता है, कोई इसका ठीक नहीं रहता है कब आएगा अर्थक्विक। मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे काफ़ी डर लगता था, जब अर्थक्विक आता था तो मैं डर जाती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है लोग एकदम नॉर्मल होते हैं, लोगों को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अर्थक्विक आया। हमारे यहाँ अर्थक्विक आता था तो लोग भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। अगर सोया है, अर्थक्विक आया तो सोया ही है, कुछ कर रहा है तो आराम से अपना काम में लगे रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अर्थक्विक का यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में अर्थक्विक आया था तो लोगों का मैंने वीडियो देखा था, लोग क्या क्या अपना मतलब कि एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ के अर्थक्विक का। यहाँ पे अर्थक्विक हमेशा आता है, हमेशा जब मैं सोई रहती हूँ तो आता है, तो ऐसा लगता है कि मैं ट्रेन में सोई हुई हूँ और ट्रेन चल रही है, इस तरह से हिलने लगता है। यहाँ पे मोस्टली घर लकड़ी के बने होते हैं ताकि अर्थक्विक आए तो ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। मैं अपनी एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक बार अर्थक्विक आया बहुत ज़ोर वाला, मैं किचन में खाना बना रही थी एंड मेरा बेटा लिविंग रूम में खेल रहा था। अर्थक्विक आया बहुत ज़ोर वाला तो मुझे तो पता चल गया कि अर्थक्विक आया एंड जो भी ग्लास वाले जो विंडो है वो सारे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। तो मेरा बेटा एकदम से, उस समय थोड़ा सा छोटा था, अभी तो 2.5 साल का हो गया है, फिर भी उस समय छोटा था, तो वो देखने लगा कि हो क्या रहा है। उससे पहले उसने उतना फील नहीं किया था तो वो देखते रह गया। फिर बाद में उससे पूछा गया कि क्या हो रहा था तो उसने बताया कि इस तरह से हिल रहा था सारा कुछ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर अर्थक्विक आने वाला होता है उससे कुछ सेकंड पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आने लगता है एंड ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट होता है मोबाइल एंड आवाज़ें आती है अर्थक्विक अर्थक्विक, तो उस समय नींद खुल जाती है अगर सोए रहते हैं। मोस्टली मैं जब सोई रहती हूँ तब ज़्यादा फील करती हूँ तो नींद खुल जाती है, फिर लगता है कि अरे अर्थक्विक आया। फिर कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ये घर है गिर ना जाए, पर फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, चलो यहाँ पे ये सब होते रहता है तो डर वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अर्थक्विक का, और जो फॉरेनर्स है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स ही रहते हैं, तो वो लोग भी एकदम से इस चीज़ को समझ गए हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए, मैंने जो यहाँ पे फील किया कि यहाँ पे अर्थक्वीक का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ फोर्थ जो चीज़ मैं यहाँ पे देख करके सरप्राइज्ड हुई थी वो है यहाँ का पब्लिक टॉयलेट। यहाँ का जो पब्लिक टॉयलेट होता है वो इतने नीट एंड क्लीन होते हैं, क्या बताया जाए आपको। मैंने इंडिया में देखा है वहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो काफ़ी गंदे होते हैं। मेट्रो स्टेशन पे जो टॉयलेट्स होते हैं वो सब अच्छे होते हैं, उसके अलावा जो भी वहाँ का पब्लिक टॉयलेट होता है वो काफ़ी गंदा होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में यहाँ के पब्लिक टॉयलेट, और मोस्टली सारे पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। वहाँ पे सारे चीज़ों की व्यवस्था होती है, टिशू पेपर, हैंड वॉश, सारे चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वो लेडीज़ जेंट्स के अलावा बच्चों के लिए भी होता है। बच्चे का अगर आपको डायपर चेंज करना है तो ये सारा यहाँ लगा होता है, यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन करके यहाँ पे बच्चे को आप सुला सकते हैं एंड बच्चे का डायपर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं और आपके पास छोटा सा बेबी है तो आप यहाँ पे अपने बेबी को रख के टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती है जो कि आपको जापान में देखने को मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि यहाँ के जो टॉयलेट्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में कितने एडवांस होते हैं। गाइस जापान के जो भी टॉयलेट्स होते हैं उसमें इस तरह एक कंट्रोल यूनिट इसे बोल सकते हैं वो लगा होता है। चलिए इसको हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो कुछ भी जो भी कुछ आप करते हैं आप तो उसके बाद जो धोना होता है, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जो
एक शावर टाइप का होता है, उसे हैंड से पकड़ के धोना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ से बहुत ही फोर्स के साथ शावर आता है, एंड वो पीछे की जो एरिया है जिसे आपको वॉश करना है उसको धोता है। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी है इसके, जो इसका जो वाटर का जो फोर्स है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आपको इसको कितना हाई फोर्स में रखना है, कितना लो फोर्स में रखना है, मीडियम फोर्स में, मतलब किस तरह से आपको चाहिए उसको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड के दिनों में इस सीट के टेम्परेचर को आप मैनेज कर सकते हैं। आपको कितना गर्म चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू। एंड एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं उस समय आपको कोई भी आवाज़ निकल रहा है किसी तरह का, ये बहुत फनी है लेकिन, तो आप यहाँ पे एक म्यूज़िक टाइप का कुछ होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे सा म्यूज़िक आएगा और आपका जो भी आवाज़ है वो बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। तो ये बहुत ही फनी है लेकिन अच्छा भी है। मैंने जब देखा तो सरप्राइज हो गई कि अरे ये भी होता है यहाँ पे। यहाँ के घरों में काफ़ी कुछ ऐसा लगा होता है जो कि सरप्राइज हो जाती हूँ मैं, जैसे मैं खाना बना रही हूँ एंड कुछ भी थोड़ा सा भी जलता है तो गैस खुद से बंद हो जाता है। सेंसर लगा होता है वो खुद से फील करता है एंड एक अलार्म बजता है और वो बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं जो बना रही हूँ वो जल रहा है या कुछ भी, मुझे पता चल जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ें होती है जो कि आप देखेंगे तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में एक बार जापान का टॉयलेट ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बहुत ही आरामदायक होता है और जो यूज़ करता है उसी को पता होता है कि यहाँ का टॉयलेट कितना एडवांस होता है। फिफ्थ जो चीज़ है यहाँ की जिसको देख करके मैं सरप्राइज्ड हो गई थी वो है यहाँ का केन शॉप, जिसको वेंडिंग मशीन बोलते हैं। वेंडिंग मशीन यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगा। उस वेंडिंग मशीन में आपको कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर सब कुछ मिलता है। यहाँ के जो वेंडिंग मशीन होते हैं उसमें स्नैक्स भी मिलता है एंड आइसक्रीम वगैरह भी मिलता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम यहाँ से कुछ भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो कुछ भी लगे हुए हैं वो सिर्फ देखने के लिए है, ये कुछ भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ देखने के लिए कि हाँ ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसके अंदर है। तो सब पे प्राइस लिखा हुआ है एंड आप इसमें कॉइन डालोगे उसके हिसाब से जो आपको लेना है तो सब कुछ ग्रीन हो जाएगा। एंड आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या लेना है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया एंड यहाँ से वो निकल जाता है तो आप ले सकते हो। सो आप इसमें कार्ड भी यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी इजी होता है। ये वेंडिंग मशीन मेरे बिल्डिंग में ही है, सो मैंने आपको एक डेमो दिखाया है। इस तरह से आपको कुछ ही मीटर के डिस्टेंस पे वेंडिंग मशीन मिलेगा और पूरे जापान में इस तरह का वेंडिंग मशीन होता है, आप इजीली वहाँ से कुछ भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है एंड सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए। तो गाइज है ना, ये सारी चीज़ें हैरान करने वाली, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। जैसे हमारे यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे जुगाड़ लगा करके कोई काम नहीं किया जाता है। सिक्स एंड लास्ट जो चीज़ें हैं जिसको देख करके मैं सरप्राइज्ड हो गई थी वो है यहाँ के गाड़ियों का टाइम टेबल। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस हुआ, मेट्रो हुआ, उसका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होता है। वो बिल्कुल अपने निर्धारित टाइम से डिपार्चर करती है एंड आपको पहुंचाती भी है। टाइम की वैल्यू इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि बताया नहीं जा सकता है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट मेट्रो लेट हो जाती है तो बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाता है कि इंडिया में तो ट्रेन कई कई घंटे लेट आते हैं, कभी कभी एक दिन भी लेट आता है। तो यहाँ पे ऐसा रूल है कि अगर मेट्रो
किसी टेक्निकल कारण से लेट हो रही है, तो वो अपने पैसेंजर को एक पर्ची देती है जिसमें कुछ लिखा होता है, कुछ मेंशन होता है कि ट्रेन किसी टेक्निकल कारण से लेट हुई है, ताकि वो लोग अपने ऑफिस में बता सके कि मैं खुद अपने वजह से लेट नहीं हुई हूँ, ट्रेन लेट हुआ है, इस वजह से मैं ऑफिस लेट से पहुँची हूँ। तो ये सब यहाँ का रूल है एंड सरप्राइज्ड कर देने वाली चीज़ है, जिसको मैं जान करके सरप्राइज्ड हो गई थी। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी चीज़ें सबसे हैरान कर देने वाली लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो इस वीडियो के बारे में अपना राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड ऑल्सो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय मतनी।